और अभी अभी यहाँ पे अपोजिट में फैब इंडिया भी खुला है, तो कैफे तो अभी तक नहीं खुला है लेकिन शॉपिंग करने जा सकते हैं वहाँ पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे का दिन। काफ़ी दिनों से मुझे एक हॉस्टल और कॉलेज का ऐसा एक टूर व्लॉग बनाना ही था, तो सोचा कि अभी सीईटी भी होने वाली है कुछ दिनों में, तो जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे वो लोग कॉलेज और हॉस्टल के व्लॉग के लिए सर्च करेंगे यूट्यूब पे। तो सोचा कि आज एक व्लॉग बना ही देते हैं कॉलेज और हॉस्टल के टूर का। तो हाँ, फिर अभी ये जो व्लॉग होने वाला है ये कॉलेज और हॉस्टल के टूर का व्लॉग होने वाला है। तो या चलो शुरू करते। तो ILS लॉ कॉलेज आता है शिवाजी नगर के लॉ कॉलेज रोड पे। ये जो रोड दिखाई दे रहा है यह है लॉ कॉलेज रोड। तो अगर किसी से भी पूछा कि लॉ कॉलेज रोड कहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैंपस ही है कॉलेज का, और अगर कैंपस के अंदर जाना है तो फिर 6 गेट है अंदर जाने के लिए। तो गाइज, ये है गेट नंबर 1। ये गेट नंबर 1 कैंपस के अंदर भी जाता है, और ILS का एक आर्बिट्रेशन सेल है उसका भी। ये जो साइड में बिल्डिंग है ये आर्बिट्रेशन सेल की बिल्डिंग है। तो ये गेट नंबर 1 कैंपस के अंदर भी जाता है और ये आर्बिट्रेशन सेल की तरफ जाता है। तो गाइज, ये देखो, ये है आर्बिट्रेशन बिल्डिंग और ये गेट नंबर 1 में ही आता है। ये गेट जाता है डायरेक्ट आर्बिट्रेशन बिल्डिंग के। ये तो यहाँ पे बस स्टॉप भी है, अगर कहीं जाना है तो यहाँ से बस आराम से मिल जाएगी। ये है गेट नंबर 2। ये गेट नंबर 2 हम स्टूडेंट्स के एक्सेस के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीछे में प्रिंसिपल्स बंगलो और उधर रेक्टर्स बंगलो है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल्स और रेक्टर्स के लिए ये गेट खोला जाता है, और यहाँ से बाकी सब स्टाफ वगैरह भी आ जा सकते हैं। सो बेसिकली गेट नंबर 2 सब स्टाफ मेंबर्स के लिए। ये है गेट नंबर 3 और वो है गेट नंबर 4। गेट नंबर 3 और 4 डायरेक्ट जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो है लक्ष्मी बिल्डिंग, वहाँ खुलता है। तो ये है स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए। ये गेट जनरली सिर्फ जो कॉलेज टाइमिंग होता है तभी खुला रहता है, बाकी बंद रहता है। ये है गेट नंबर 6। ये गेट बहुत दूर इधर आइसोलेटेड सा गेट है, और यहाँ पे अंदर कुछ है नहीं वैसे, सिर्फ छोटा सा एरिया है, पता नहीं ये गेट क्यों है। ये है गेट नंबर 5 जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और हम ही यूज़ करते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ से हॉस्टल जाने का भी रास्ता है और कॉलेज जाने का भी रास्ता है, तो यही हमेशा खुला भी रहता है। सो गेट नंबर 5 से एंटर होते बराबर राइट साइड में ये है टेनिस कोर्ट, और लेफ्ट साइड में आती है कैंटीन। कैंटीन अभी फ़िलहाल बंद है, पता नहीं कब खुलेगी। यहाँ जगह जगह पे ऐसे डायरेक्शन के बोर्ड लगे कि क्या चीज़ कहाँ पे है, जैसे दिख रहा है कि आगे लेडीज़ हॉस्टल है, स्विमिंग पूल है, लक्ष्मी बिल्डिंग वगैरह कहाँ पे। तो थोड़ा सामने आने पे ये है हॉस्टल की पार्किंग। ये एक पार्किंग है, ये एक पार्किंग है, ये सिक्योरिटी गार्ड का क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा एरिया है जहाँ पे वो रुकता है, और सामने में उधर है और एक पार्किंग। ये हॉस्टल का ए विंग है, लेकिन हॉस्टल बाद में कवर करते हैं, पहले चलते हैं कॉलेज की तरफ, कैंपस की तरफ। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आगे में लक्ष्मी बिल्डिंग, लाइब्रेरी वगैरह ग्राउंड है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से आने के बाद सबसे पहले राइट साइड में ये है रेक्टर्स क्वार्टर और मेंटल हेल्थ सेल का ऑफिस। और सामने में ये जो नीचे दिख रहा है ये है रीडिंग रूम। पहले ये बैंक हुआ करता था। हाँ, पहले ये बैंक हुआ करता था कुछ। हाँ, तो ये बेसिकली मल्टीपर्पज है, लेकिन जब दूसरी चीज़ें नहीं होते थे अब यहाँ पे लोग पढ़ने आते। तो गाइज, ये है गेट नंबर 3 और 4 जो मैंने बाहर से दिखाया था, और जो डायरेक्ट यहाँ सामने में सरस्वती बिल्डिंग पे आता है। तो सरस्वती बिल्डिंग में ही मोस्टली एडमिशन का काम होगा तुम्हारा, मोस्टली सब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस यहीं पे है, तो एडमिशन का काम तो यही होगा। और ये फाउंटेन वगैरह है जो अभी नॉर्मली बंद ही रहता है, कोई ओकेशन रहा तो शुरू कर लेते हैं ये लोग कभी कभी। और अंदर में भी वहाँ पर एक फाउंटेन है, ये एक अच्छा पाम ट्रीज वगैरह यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर लॉन वगैरह लगाया है जो मेनटेन करते रहते हैं ये लोग, तो काफ़ी सुंदर लगता है, ये अच्छा लगता है देखने में। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, ऐसे गार्डन जैसे कैंपस में बहुत सारी हरियाली है, तो यहाँ पे हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ गार्डन जैसा बना है कहीं ना कहीं। और ये जो घर दिख रहा है ये एक्चुअली डस्टबिन है, तो कैंपस में हर जगह ऐसे छोटे छोटे घर है जहाँ पे डस्टबिन है, तो क्लीन रखोगा एनवायरनमेंट और क्या। तो गाइज, ये है ILS का विजन और मिशन, और यहाँ से अब सीधा जाने पर यह है सरस्वती बिल्डिंग, तो चलते हैं अंदर। थोड़ा इधर अंदर आने के बाद राइट साइड में है कॉन्फ्रेंस हॉल, जो पता नहीं मुझे फ़िलहाल क्या होता है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में, लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो राइट साइड में दरवाजे दिख रहे हैं वहाँ पे तो सबके ऑफिस है टीचर्स वीचर्स के। यहाँ पे वाटर कूलर है एक। थोड़ा सामने आने पे ये है लेफ्ट साइड में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस,
तो एडमिशन करने आओगे तो मोस्टली यहीं पे सब फीस वगैरह भरने का काम करना पड़ेगा, देख लो ये अच्छे से, अभी तो बंद है फिलहाल। तो यहाँ से अभी निकलने के बाद यहाँ पे सामने में आता है ग्राउंड, ये ग्राउंड पर तो फिलहाल काम चल रहा है, ये ग्राउंड को थोड़ा अच्छे से अभी रिनोवेट वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड वगैरह सब बढ़िया बन रहा है, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह। और इधर सामने में वो है लाइब्रेरी, और इधर सामने से लेफ्ट लेने के बाद आती है लक्ष्मी बिल्डिंग जहाँ पे सब क्लासेस होती है। और इधर जो पीछे में जो गेट दिख रहा है वो है गेट नंबर 2, जो मैंने बाहर से दिखाया था, जो सिर्फ स्टाफ एंट्री के लिए है। तो यहाँ सब टीचर्स वगैरह आते हैं। तो ये है आगे में लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तो आज शायद से बंद होगी क्योंकि संडे है, संडेज को लाइब्रेरी बंद होती है। बाकी ऐसे लाइब्रेरी 9 बजे तक शुरू रहती है रात को, वीकडेज पे। आज बंद है लाइब्रेरी। तो चलो वापस चलते हैं। ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है ये रास्ता, ऐसे ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है ऐसे कैंपस में, और बहुत प्यारा लगता है ऐसे टाइम पे। अभी तो कुछ भी नहीं, जब मैं यहाँ पे गर्मियों में आया था तो यहाँ पे वो रास्ते भर में पूरे येलो फ्लावर्स गिरे रहते थे, तो बहुत प्यारा लगता था। और अभी इधर से आगे जाने पे उधर लेफ्ट राइट साइड में है स्विमिंग पूल, और लेफ्ट साइड में है लक्ष्मी बिल्डिंग, जिम और बास्केटबॉल कोर्ट, जो मैं आगे जाके दिखाता हूँ तुमको। तो ये देखो गाइस यहाँ पे पीछे में थोड़ा जंगल दिख रहा है, अगर तुमको पता होगा तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पीछे में जंगल है, टेकड़ी है ऊपर। तो वो टेकड़ी का भी मैंने एक व्लॉग डाला है, वो चेक कर लेना चैनल पे। और ये रास्ता है पीछे में जो हॉस्टल की तरफ जाता है, और ये जाता है लक्ष्मी बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर रोज़ क्लासेस लगती है। ये है लक्ष्मी बिल्डिंग के सामने, वहाँ पर भी एक फाउंटेन है। तो ये पूरी लक्ष्मी बिल्डिंग है, यहाँ पे पूरी क्लासेस लगते हैं, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, और अंदर में ऑडिटोरियम भी है ये कॉलेज का। लक्ष्मी बिल्डिंग के सामने है पवेलियन, जो ग्राउंड के सामने है, और यहाँ पे फिलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो जब तक नई बैच आएगी तो तब तक तो काम हो जाना चाहिए। और इधर सामने में फिर है जिम और बास्केटबॉल कोर्ट। तो ये देखो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ग्राउंड रेनोवेट हो रहा है, तो ये पिच भी रेनोवेट हो रही है। ये लेफ्ट साइड में है आर्बिट्रेशन बिल्डिंग, जो मैंने बाहर से दिखाया था, और राइट साइड में इधर है पवेलियन, जो मैंने अभी दिखा चुका हूँ आपको। और ये है पूरा ग्राउंड जो अभी रेनोवेशन में है। तो ये लक्ष्मी बिल्डिंग से सामने आने के बाद इधर हमारे राइट साइड में है लाइब्रेरी, और इसके थोड़ा आगे है ये हट टाइप जो दिख रहा है, ये है गजीबो। यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, चिल करते हैं, बढ़िया अच्छी जगह चिल करने के लिए। और ये है लेफ्ट साइड में स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल तो अभी बंद होगा, तो स्विमिंग पूल में बाद में आराम से दिखाता हूँ। सो गाइस फिर इधर से सामने आने के बाद इधर है हॉस्टल का सीविंग, इधर है सामने में मेस, और यह है लेफ्ट साइड में गर्ल्स हॉस्टल। तो अभी पहले देखते हैं मेस। गाइस ये है मेस। तो गाइस ये देखो ये है मेस की डिटेल्स। तो मेस में यहाँ पे कूपन सिस्टम भी चलता है, और आप पूरे महीने का भी मेस लगा सकते हो। तो अगर एक महीने का 2 टाइम का खाना लगाना है तो 3,300 है, 1 मंथ का 1 टाइम लगाना है तो 1,900 है। तो ये ऐसे सब डिटेल्स है मेस की, तो ये देख लो। तो गाइस देखो ऐसे कैंपस में बहुत सारे डॉग्स भी है, हर डॉग्स के अलग अलग, हर बैच ने अलग अलग नाम रख के रखे। तो हमारे बैच ने जो नाम रखे वो मैं डॉग्स दिखने पर बताता हूँ उनके क्या क्या नाम रखे। ये हमारे हॉस्टल का दूसरा डॉग है, जिसको बहुत सारे अलग अलग बैचेस ने अलग अलग नाम दिए हैं वापस से। जैसे कोई कोई बैच ने ये वाले इनको, इसको काजू बुलाते हैं, कुछ बोचा बुलाते हैं, मैंने इसका नाम घोस्ट रख दिया है, जॉन स्नो वाले डेयरफुल का जैसा नाम था घोस्ट। क्यूट है यार बहुत। गाइस ये और एक है डॉग हमारे कैंपस में, ये हॉस्टल के अंदर ही रहता है, रहती है मतलब, और इसका नाम हमने रखा है डेजी। डेजी डेजी। तो गाइस चलो अभी हॉस्टल का व्लॉग शुरू करते हैं। तो हॉस्टल का 3 विंग है बॉय हॉस्टल के, ये है ए विंग, चलो अंदर चलते हैं। तो ये है ए विंग, तो जैसे देख रहे हो कि स्क्वायर में है थोड़ा हॉस्टल, तो और बीच में बहुत सारा ऐसा ओपन एरिया है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे ही बाहर बैठे रहते हैं शाम को वगैरह, अच्छा लगता है। बहुत प्यारा मौसम रहा तो हम शाम को यही बैठे रहते, बढ़िया। और ये है सब पूरा अपना हॉस्टल, तीन रास्ते हैं अंदर जाने के लिए, एक ये वाला, एक इधर सामने, और एक ये इधर राइट में। और
तुमको जब हॉस्टल लेना रहेगा और आओगे तो तुमको यहाँ पे पहले ही देख लेना कौन से रूम खाली है और कौन से रूम तुमको अच्छी लग रही है, और फिर जाके वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बता देना कौन सा रूम चाहिए, और जमे तो पहले ही अपना कोई रूममेट देख लेना, मतलब दोस्त वोस्त जो यहाँ पे बन जाए तुम्हारा अच्छा, उसी के साथ में ही रूम ले लेना फिर। तो राइट साइड में जो ये नीचे में रूम्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली थोड़े बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू दिस रूम्स, कि ये रूम्स थोड़े छोटे हैं इधर साइड में। तो ये तो रहा फिर अपना पूरा ए विंग, अब चलते हैं बी विंग की तरफ। और हाँ, ये जो तीनों विंग दिखाए हैं मैंने, यहाँ से हम अंदर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ए विंग से वो जो पीछे में रास्ता दिख रहा है वहाँ से हम बी विंग भी जा सकते हैं, और ऐसे ही हम सी विंग में भी जा सकते हैं। तो अब चलते हैं बी विंग में। हाँ, तो बी विंग में जाने के पहले मैं एक हॉस्टल की डिटेल दे देता हूँ। तो हॉस्टल में तो ये सब सारे में फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे सारे रूम्स हैं। तो वॉशरूम का सीन ऐसा है कि वो जो नीचे में उस साइड दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ, 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 इधर ऊपर नीचे, इधर और एक वहाँ पे, तो यहाँ पे सब कॉमन वॉशरूम है ये सब साइड में। सो बेसिकली हर कॉर्नर पे एक एक वॉशरूम है, तो वो सब वॉशरूम हम मिलके यूज़ करते हैं, तो कॉमन वॉशरूम है। और रही बात गर्म पानी की, तो वो जो कॉर्नर में जगह दिख रही है ये वाली, यहाँ पे गर्म पानी आता है। बस गर्म पानी का प्रॉब्लम ये है कि वो गर्म पानी का चलता है सोलर पे, तो जिस दिन धूप नहीं निकली उस दिन गर्म पानी नहीं आएगा, आपको ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। ऐसे हर कॉर्नर पे गर्म पानी का नल है, जैसे ये एक नल दिख रहा है, ये भी एक सोलर पैनल पे चलने वाला गर्म पानी का ही नल है। तो वही सीन है बस यहाँ पे, कि अगर धूप नहीं निकली जिस दिन उस दिन, मतलब ठंडियों में और बरसातों में कभी कभी ठंड नहाना है तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, या फिर कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा न गर्म पानी के लिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो ये जो पूरा ए विंग है ये डबल ऑक्यूपेंसी वाला है, मतलब यहाँ पे दो लोग एक रूम में साथ में रहते हैं। और जो यहाँ से अब बी विंग में आते हैं हम, तो जो बी विंग है ये मोस्टली पूरा सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला है, मतलब यहाँ पे सब लोग जिन्होंने सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑप्ट किया है वो लोग यहाँ पे अकेले एक रूम में रहते हैं। और ये रास्ता है बी विंग में आने के लिए, डायरेक्ट रास्ता गेट, तो मैं वहाँ से भी एक बार बी विंग दिखा देता हूँ। तो ये है बी विंग, ये है बी विंग का मेन रास्ता गेट, और यहाँ से अंदर जाने पे ये आ जाता है बी विंग। तो गाइज ये है सी विंग हॉस्टल का। तो ये सी विंग तो मोस्टली सब पूरा ही, मतलब फर्स्ट ईयर वालों का ही मिलता है, और यह है सिंगल ऑक्यूपेंसी पूरा। तो सेम है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हर कॉर्नर पे वॉशरूम है, और ये है पूरा हॉस्टल। तो जैसे सी विंग से बी विंग या बी विंग से सी विंग आने के लिए बस यहाँ पे थोड़ी इधर कसरत करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है आना जाना। तो वो सामने से थोड़ा यहाँ से गिरने का डर होता है। तो गाइज ये था हॉस्टल हमारा पूरा, और हॉस्टल के फीस स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा है कि जो लोग डबल ऑक्यूपेंसी में ले रहे हैं उनको पूरे एक ईयर का 55,000 पड़ता है, और जो लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी ले रहे हैं उनको पूरे एक ईयर का 70,000 पड़ता है। तो ये फीस स्ट्रक्चर तो हमको कोविड से आने के बाद, हो सकता है कि अभी जो नई बैच आ रही है उनको कुछ दूसरा मिले, कुछ दूसरा हमको फीस भरनी पड़े, लेकिन हाँ हमने तो ये भरा है और हम यहाँ पे रहते हैं। बाकी एक माइनस पॉइंट ये है हॉस्टल का कि गर्ल्स हॉस्टल तो अभी जो नया रिनोवेट हुआ है, तो वहाँ पे एमिनिटीज़ बहुत है, जैसे वहाँ पे वॉशिंग मशीन है उनके पास सेपरेट उनके वॉशरूम्स है। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं खुला बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ हमको रूम्स मिले हैं यहाँ पे, वो भी थोड़ी मतलब बैड कंडीशन में होती है, तुमको आने के बाद साफ़ सफाई करनी पड़ेगी खुद ही। और लेकिन हमारे यहाँ पे एमिनिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे हमारे हॉस्टल में वाइब बहुत है, मतलब पूरा ऐसे टिपिकल हॉस्टल वाली फील आती है, मज़ा आती है। तो गाइज देखो, अभी मैं हूँ लक्ष्मी बिल्डिंग के हॉल नंबर 16 में, जहाँ पे हमारी रोज़ क्लासेस लगती है। तो मैं एक मिनट पूरी क्लास दिखाता हूँ कैसी है। तो गाइज देखो, ये है रूम नंबर 18, हॉल नंबर 18। यहाँ पे सब मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स और थोड़े बहुत छोटे गेस्ट लेक्चर्स वगैरह जो होते हैं वो सब होते हैं यहाँ पे। तो गाइज देखो, फिर यहाँ लक्ष्मी बिल्डिंग से निकलने के बाद अगर हम इधर सामने गए तो इधर आता है जिम और बास्केटबॉल कोर्ट, जो मैं दिखाता हूँ अभी तुम चल के कि कैसा है। ये देखो गाइज, ये जो दिख रहा है ऐसी छोटी सी बिल्डिंग टाइप, ये है जिम हमारा,
और ये जिम की एंट्रेंस आती है यहाँ से। चलो एक मिनट दिखाता हूँ मैं। से अंदर आते हैं, ये है थोड़ा ओपन एरिया और ये हमारा जिम। और अगर जिम के बाजू में इधर थोड़ा सामने आए तो यहाँ एक छोटा सा ऐसा ग्राउंड टाइप है। ये तो हो गया गाइस जिम यहाँ पे। और ये जो सामने है ये है बास्केटबॉल कोर्ट। अच्छा है, जो लीगलीज हमारा प्रोग्राम होता है, कॉलेज फेस्ट होता है, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे स्पोर्ट टूर्नामेंट्स होते हैं, तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स भी हुए हैं। बाय द वे लीगल इज़ का भी मैंने व्लॉग किया है, तो चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो पुराने व्लॉग्स में लीगल इज़ का व्लॉग। और बास्केटबॉल कोर्ट के साइड से ये एक रास्ता जाता है, ये रास्ता सीधा जाता है वो एक गेट की तरफ। वो देखो, वो जो गेट दिख रहा है वो है गेट नंबर 1 जो मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाया था। वो गेट नंबर 1 आता है यहाँ पे, जो मोस्टली बंद ही रहता है, मोस्टली क्या हमेशा ही बंद रहता है। हाँ, पर है वो गेट है और वो गेट नंबर 1 है। सो डैट इज़ इट गाइस, यही है हमारा कॉलेज और हॉस्टल जिसका मैंने टूर दे दिया है आपको छोटा सा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई नया ये कॉलेज देखने के लिए ही अगर ये व्लॉग देखा है तो ठीक है, अच्छा कॉलेज है, एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे, काफ़ी प्यारा कॉलेज है। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता देता हूँ कि मेरे वीडियोस में हर एक वीडियो में पोस्ट क्रेडिट सीन्स होते हैं, तो आखिरी तक देख के जाना। तो गाइस देखो, अभी हम रात को संडे को यहाँ पे ऐसे टेरेस पे गाने वगैरह बजा के बढ़िया चटाई वटाई डाल के कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके बिरयानी वगैरह मंगा के पिज्ज़ा मंगा के यहाँ पे हमारी एक छोटी सी मिनी सी पार्टी हो रही है। माहौल बन गया भाई, देखो भाई हवा वगैरह भी चल रही है, बढ़िया माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस देखो, मोर ऑर लेस सारी क्लासेस ऐसी ही है।